ये मैं हूँ, ये मेरी रिंग लाइट है और यहाँ पे हमारा पीसी पड़ा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी पबजी को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे हम अपनी पबजी को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं यस, और यहाँ पे हमारी पबजी ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी और हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बेसिकली सीन कुछ यूँ है कि पबजी लेती है 15 मिनट मेरे पीसी में स्टार्ट होने में और कम से कम भी 7 से 8 मिनट ले लेती है। तो मैंने कहा क्यों ना पहले पबजी को स्टार्ट कर लिया जाए, जब तक पबजी ऑन होती है तब तक मैं आपको एक तड़कती भड़कती न्यूज़ सुनाता हूँ। न्यूज़ क्या है आपको पता चल गया होगा, नहीं पता चला तो आपका भाई है ना, हम आपको बताते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो कल मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट अपलोड किया है और वहाँ पर मैंने एक तड़कती भड़कती न्यूज़ बताई है। न्यूज़ क्या है, टिकटॉक बैन हो चुका है भाई साहब। टिकटॉक को पाकिस्तान से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया गया है। तो बेसिकली सीन क्या हुआ है फुल डिस्कस करने वाले हैं, पहले यहाँ पे पबजी का एक अलाउ कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं एमुलेटर पे पबजी में खेलता हूँ, और अगर आप कहें, अगर आप चाहते हैं कि मैं पबजी लाइव स्ट्रीमिंग करूँ तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो वीडियो को, ताकि आपका भाई लाइव स्ट्रीम कर सके और आपको अपना टैलेंट शो कर सके दूर वाला। तो बेसिकली सीन कुछ हुआ है कि कल मैंने एक लास्ट टिकटॉक अपलोड की थी, अगर वो देख, एक मिनट पहले वो वाली वीडियो देख ली। मुझे कोई परवाह नहीं दुश्मनों की, मैं नफरत करता हूँ लोगों से जो दोस्ती की आड़ में मुनाफकत करते हैं। देख ली टिकटॉक? तो बेसिकली कल सीन कुछ हुआ कि मैंने ये वाली टिकटॉक बनाई, टिकटॉक को जैसे ही अपलोड किया और अचानक से पता चलता है, फेसबुक ओपन करता हूँ टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करने के बाद, तो पता चलता है कि टिकटॉक बैन हो चुकी है। तो बेसिकली हमारे इलाके का है काशिफ रजा जोया, एक टिकटॉकर है जिसके 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो बेसिकली उसने पोस्ट लगाई हुई थी कि टिकटॉक पाकिस्तान में बैन हो चुका है। मैंने समझा मजाक कर रहा है, तो मैंने जाके सर्च किया, यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं मिली। और फिर अचानक से एक न्यूज़ आती है जियो न्यूज़ की तरफ से कि टिकटॉक को पिशावर में नोटिस दिया, पिशावर वालों ने नोटिस दिया टिकटॉक को हमेशा हमेशा के लिए बैन करने का और टिकटॉक हट चुका है। मैंने टिकटॉक को ओपन किया, मैंने कहा अभी तो यार चल रही थी टिकटॉक। टिकटॉक को ओपन करने के बाद देखता हूँ टिकटॉक वर्क ही नहीं कर रही, मैंने कहा इंटरनेट स्लो होगा। लेकिन अब आप ये वाली वीडियो देखें जिसमें मैं आपको सारे दिखाता हूँ कि टिकटॉक बैन किस तरह हुआ है, और मेरे यूट्यूब चैनल पर इससे पहले भी एक शॉर्ट अपलोडेड है, वो देखने तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन मैं उसके साथ अटैच कर देता हूँ यहाँ पे साइड पे ना वो वीडियो लगा देता हूँ, वो वीडियो देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी अभी 6 घंटे पहले बैन किया गया है टिकटॉक को, और यहाँ पे मेरी कुछ वीडियोस शो हो रही है, उसके नीचे वीडियोस भी नहीं शो कर रहा। आप देख सकते हैं पाकिस्तान में ऑफिशियली टिकटॉक को बैन कर। तो बेसिकली आपने वीडियो देखी और आपको पता चल गया होगा कि टिकटॉक वर्क नहीं कर रहा, जैसे कि वीडियो में मैंने शो किया है कि टिकटॉक बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा और थोड़ी बहुत वीडियो शो कर रहा है, वो भी शो करना बंद कर देगा। और अभी तो मैंने टिकटॉक को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया है और टिकटॉक को डिलीट कर दिया है। बेसिकली मेरा ऑफिशियल अकाउंट नहीं था, ये मेरे एक फ्रेंड का अकाउंट था, उसने कहा था भाई वीडियो शीडियो बनाओ हमें भी वायरल करवा दो, वो अलग बात है वायरल खुद नहीं है। तो बेसिकली उसका अकाउंट था और मैं वहाँ पे वीडियोस बना रहा था, और उसका अकाउंट 12.8 के लाइक्स भी हो चुके थे बड़ी मुश्किल से, और वो उड़ चुका है। और सो सैड फॉर टिकटॉकर्स एंड यूट्यूबर्स के लिए खुशी की बात है, क्योंकि बीच में फंडा चला था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, और यूट्यूबर्स ने इंडिया में टिकटॉक को उड़वा ही दिया था और अब हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को उड़ा दिया, टिकटॉक को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया है। और थोड़े बहुत 5% चांसेस हैं टिकटॉक के वापस आने के, 95% बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने रीज़न ये दिया है कि ये फहाशी फैला रही है, और जो चीज़ फहाशी फैला रही हो पाकिस्तान में उसको तो बैन ही कर देना चाहिए। और बेसिकली यहाँ पे टिकटॉक का सीन बिल्कुल सही हो गया, गुड हो गया, वेरी गुड हो गया। और प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे टिकटॉक के वेरी गुड हो गया, एंड अब जो टिकटॉकर्स का पता नहीं क्या बनेगा वो अल्लाह ही जाने। और बेसिकली और कोई क्या बताएं, बस यही था आज की वीडियो में। और एक और, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, लाइक 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 दबाओ, ठोको लाइक यार, जी बंदे हो यार,
और बस इतना ही, मिलते हैं हमारी किसी अगली वीडियो में जो कि आने वाली है 2-3 सालों बाद। और सब्सक्राइब करो यार, 2-3 साल का वक्त।